हॉट एंड जूसी रोल, जहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर की बड़ी ज़बरदस्त डील चल रही है। प्लेटर में मलाई बोटी, चिकन बोटी, रेशमी कबाब, दो पराठे लार्ज, रायता, सैलड, इतना सब कुछ सिर्फ 599 रुपए में। इसी तरह एक और प्लेटर ऑफर कर रहे हैं जिसमें ये सारे कबाब तो मौजूद हैं, साथ में इनका चिकन टिक्का भी, और ये प्लेटर सिर्फ 750 रुपए में। रोल की बात करें तो कोई से भी दो रोल, चिकन चटनी या मलाई बोटी रोल, सिर्फ 300 रुपए में, मतलब 150 रुपए का एक रोल, और इंटायर मेन्यू पे फ्लैट 10% ऑफ भी ऑफर कर रहे हैं। रेस्टोरेंट लोकेटेड है गुलशन पैराडाइज बेकरी के बिल्कुल बराबर में। डील घर बैठे जैप से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और यहाँ आके इन स्टोर का फीचर यूज करते हुए टेक अवे भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में डाइन इन या डाइन आउट का स्पेस मौजूद नहीं है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं और नईम आज मौजूद हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त जगह, डील भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, जो आजकल हमने एक कराची वालों को दे दिए ना सौगात प्लेटर की। हाँ, तो आज वही मौजूद हैं। अच्छा, हमने अब तक जो है वो बारबेक्यू प्लेटर तो कवर किए हैं मंदी के राइस के साथ, बिल्कुल ये जो बारबेक्यू प्लेटर है ये फुल बारबेक्यू डील है। और हम मौजूद भी कहाँ हैं? हॉट एंड जूसी पे। अच्छा, लोकेशन एक्जैक्टली नईम, ये पैराडाइज बेकरी जो फेमस स्पॉट है। पैराडाइज बेकरी, आप जब अबुल हसन इस्फहानी रोड पे आते हैं, बहुत मशहूर स्पॉट है पैराडाइज बेकरी, उसके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल बराबर में ही है। ये जो डील है एक्सक्लूसिव जैप पे चल रही है, आप आके अवेल करना चाहते हैं यहाँ पे, वैसे इतना ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोग जो है वो डिलीवरी करवा रहे हैं जैप के थ्रू रेडियस के ऊपर, या फिर यहाँ आके पिक करना चाहें ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। और डील तो इस साल पता भी लग चुकी है, भूख लग रही है टाइड वाली। अब फूड का रिव्यू दे देते हैं और आपको बताते हैं कबाब है। हाँ, तो एक काम करते हैं, और इनका टिक्का तो भाई जैसे जब वो अंगीठी में था ना, तभी मैंने सोच लिया था भाई ये तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, आ जाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले फाइनली जो है वो फूड सर्व हो चुका है भाई, बड़ा जबरदस्त था। और डील भी पता चल चुकी है। अच्छा, इनकी स्ट्रेंथ वैसे जो बारबेक्यू और रोल नहीं है, और हमने भी वही डील जो है वो उस पर निकाली है। अच्छा, हमारे सामने दो बड़े पूरी पराठे और प्लेटर के अंदर जो है वो चार डिफरेंट कबाब, दो तीन तो कबाब नजर आ रहे हैं। अगर तो आप इसको प्लेटर में भी, हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्लेटर है, अगर आपने तीन कबाब और एक टिक्का चाहिए, अगर हमारा कैमरामैन आप दिखा सकें कि ये प्लेटर है, अगर हम इसको इसके साथ ये पूरे प्लेटर की कॉस्ट लगाएं 750 का, ठीक है, और अगर आप हटा दें इसमें से टिक्का तो ये बन जाएगा 600 रुपए का। 600 रुपए इसमें हमारी जो है वो चिकन बूटी भी गई हुई है, तो वो मलाई बूटी, रेशमी कबाब, इनकी चटनियाँ सिग्नेचर, बाकी जो है वो सर्विंग सैलेड के साथ हुई हुई है। मैं पूरी पराठे का बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गरम जितना खाएंगे आप वही आपको टेस्ट पता लगता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर गिरता है। तो ये अभी हम खा रहे हैं, हमारे सामने बना और तो फ़ौरन से आया, मैं मलाई बूटी ट्राई कर रहा हूँ। अब जो है वो एक काम करते हैं, ज़बरदस्त सा बाइट बनाता हूँ यार। स्पाइस, हाँ, क्योंकि बहुत स्पाइसी है जी। मैं चटनी का लगा रहा हूँ, रहीम यहीं के रायता चटनी। अब्दुल्ला, टिक्का तुम कहोगे स्पाइसी है क्योंकि तुम्हें स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। तो स्पाइस के लिहाज से तो यार ये ओवर स्पाइस है। अच्छा, क्योंकि प्लेटर होता ही जब ये, तो उसमें सारे फ्लेवर्स हों। बिल्कुल, मलाई बोटी के अंदर जो है वो आपको नॉन स्पाइसी भी, नॉन स्पाइसी मिल जाएगा, और के अंदर आपको स्पाइसी फ्लेवर आ गया, और रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन बोटी ट्राई कर रहा हूँ। ये इनकी चिकन बोटी बनते हुए आपने देखी। मैं सारे कबाब पहले जो है ना ऐसे ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो पूरी पराठे से ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन बूटी की स्पाइसी नहीं है,
दिखने में भी नहीं लग रही। और मलाई बूटी तो वैसे ही नॉन स्पाइसी होती है और बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रही है जो एक ऑथेंटिक होता है कबाब। अच्छा पूरी पराठे हमने जो है वो डील में दो है हमारे लार्ज, तो मेरे हिसाब से सर्विंग देखें पराठे की तो मेरे हिसाब से 2% आराम से शेयर कर सकते हैं, 2% आराम से डील है। और डील जो प्लेटर की बनी हुई है इसके अंदर हमने जो है फोकस ये किया कि यार जो बहुत सारे लोग होते हैं टिक्का भी चाहिए कबाब भी चाहिए। अब्दुल्ला मुझे थोड़ा सा कबाब भी मैं ड्राई लगा। और रेशमी देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ मैंने रेशमी और जूसी हो सकता था ठीक है थोड़ा सा ड्राई लगा इसको थोड़ा सा और जूसी होना चाहिए तो ठीक है मेरे हिसाब से। मगर टिक्का तो मैंने इनका ओवरऑल प्लेटर में मुझे मैं स्पाइसी लवर हूँ तो मैंने टिक्के को रेट किया नंबर 1 पर। अच्छा अब मुझे वैसे इनकी मलाई बूटी अच्छी लग रही है। हाँ। और टिपिकल जो हम स्ट्रीट फूड स्टाइल जो बारबेक्यू खाते हैं ना हम उसको इस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल अब रोल की बारी है। मैंने जो है अपना चिकन चटनी रोल तो आपसे आपकी मर्ज़ी है 300 रुपये में जो है भैया एक्सक्लूसिव ज़ैप पे चल रहा है वैसे तो 180 के अराउंड कुछ इनकी कॉस्ट होगी। मायो गार्लिक तो देखें हर जगह का कराची में मिल रहा है, जिस तरह अंडे वाला बर्गर मिल रहा है उस तरह रोल मिल रहा है। तो अब ये खा के देखते हैं क्या 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 कह रहा है रोल क्या कह रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें मलाई बोटी अंदर से कह रही है कि यार वाकई मैं मलाई बोटी हूँ। वैसे इनकी मलाई बोटी मुझे वैसे ही टेस्ट में अच्छी लगी है। अच्छा मैं इनके वाले सॉस से ट्राई कर रहा हूँ, इसके जो है ना मैं समझ रहा था खाली रहता है इसमें इनका मेयोनीज भी ऐड हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सॉस से हटा के खाएं पहले। मैं ट्राई कर रहा हूँ विद सॉस विद लेमन ग्रीन। रोल इज नो डाउट यार जिस तरीके से इन्होंने कहा रोल क्लेम है कि हाँ स्ट्रेंथ तो वाकई ये सही क्लेम है इनका स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है। इसमें जो है ना ऐसी टिपिकल की चटनी ऐसी नहीं ग्रेवी जो गले में लग रही हो क्योंकि बिल्कुल वही ऑडियंस ट्राई कर सकती है जो कि नॉन स्पाइसी आ रही है ना तो उनके लिए बेस्ट है। चिकन चटनी रोल थोड़ा सा स्पाइसी है चटनी में जैसे जिस तरह की नॉर्मली होती है चटनी है। तो मुझे वैसे और क्योंकि इसमें फ़र्क भी ये है कि इसमें इन्होंने मलाई बोटी रखी है मलाई बोटी मलाई मायो गार्लिक तो उसके अंदर चटनी के अंदर आपके नॉर्मल ये वाली बोटी गई है जो इसमें जो है आपका दूसरा मसाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम बारबेक्यू को रेट करोगे रोल वैसे दोनों एक से बढ़ गए हैं। अब ये ऑडियंस के ऊपर हम छोड़ते हैं ऑडियंस की बात है क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ डील में रोल ऑडियंस को यहाँ के ट्राई करने चाहिए। हाँ और जो प्लेटर की डील है बारबेक्यू की वो इटसेल्फ बड़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर जो है वो अच्छा के ऊपर है। अब यहाँ पे आके मैं वैसे पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप आके टेक अवे कर लें या फिर डिलीवरी करवा लें या सिटिंग इस तरह की नहीं है कि आप लोग आके बैठ सकें और ज़ैप के थ्रू ऑर्डर करें। तो एक काम करते हैं आज की वीडियो का एंड करते हैं। मुझे ज़्यादा दिन नईम को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नहीं। जो है वो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था बारबेक्यू भी खा रहे थे आप जो है अभी अपने टिक्का भी मंगवाया। वैसे यहाँ पे कब से आ रहे हैं? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं माशाल्लाह। हम यहीं की रिहायशी भी है। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ के? बारबेक्यू और प्लस ब्रोस्ट। बारबेक्यू में कोई ऐसा स्पेशली कबाब? वैसे तो काफ़ी कबाब हैं रेशमी कबाब भी है कोई ऐसा खास टिक्का या कबाब? रेशमी कबाब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का? नहीं नॉर्मल नॉर्मल जी, जी। तो यहाँ पे चीज़ें वैसे इतनी स्पाइसी हैं भी नहीं? नहीं नहीं पूरी इस लाइन में माशाल्लाह सबसे अच्छा फास्ट फूड यहीं पे मिलता है और बारबेक्यू बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे। चले रीज़नेबल प्राइस पे है अच्छे। ओके चले थैंक यू सो मच। थैंक यू।